दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो माफ़ी इस रीज़न से मांग रही हूँ मैं, कुछ दिनों पहले मैंने आप सबसे पहले बात करते हैं कि मैं ससुराल क्यों नहीं गई। तो ससुराल मैं इस रीज़न से नहीं गई, मुझे जाना था ससुराल। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है सोनी नेगी और आज के मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही देवभूमि उत्तराखंड से। आज जा रही मैं एक दिन गैप करके फिर से सिलाई सेंटर। तो अब से कंटिन्यू जाऊंगी मैं सिलाई सेंटर, क्योंकि कल परसों तक थोड़ा थोड़ा टाइम नहीं लग रहा था कभी। तो आजकल ना चारों तरफ इतनी मस्त हरियाली हो रही कि ना क्या बताना। आई हाय, सारे चीज़ के पौधे, पेड़, सारे चीज़ के पेड़ों पे मोयार आ रखी। आपको ना कुछ आवाज़ भी सुनाई दे रही चिड़िया की, कमेंट करके बताओ कौन सी चिड़िया की आवाज है ये। तो आजकल ना चारों तरफ मोयारी मोयार हो रखे। ये देखो बांज के पौधे कितने हरे हो रखे, कितना इतना मस्त लग रहा है ये हरे भरे पौधे। और सामने पे आपका खूबसूरत चंबा का नज़ारा। दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि मेरे पास मेरे सारे कागज़ पत्र पहुँच चुके हैं, वोटर आईडी, पैन कार्ड वगैरह। तो सबसे पहले भैया का थैंक यू सो मच कि आपने चंबा पहुंचाया मेरे कागज़ पत्र जो भी हैं, वोटर आईडी वगैरह। क्योंकि अगर गांव में देते तो गांव वाले टाइम पे नहीं देते कुछ भी चीज़। तो इसीलिए भैया ने सोचा कि मैं वहीं पहुंचा था उनके पास चंबा। तो चंबा ला के आए भैया, ये देख सकते हैं। एक तो मेरे हस्बैंड का है वोटर आईडी और एक मेरा। तो फिलहाल पैन कार्ड भी पहुंच चुका है, क्योंकि इन्होंने न्यू वोटर आईडी दी थी शायद बनवाने के लिए। तो मेरी वोटर आईडी भी पहुंच चुकी है यहाँ पे। अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो थैंक यू सो मच फिर से आपका। तो जल्दी से मुझे अभी खाना तो बना दिया, पर खाना खाना में भूख भी भयंकर वाली लगी है। तो आपको बताया कल मैंने ऑनलाइन ना एक पैजामा मंगाया था, ये देखो, जो जो कि मैंने आज पहना है। आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप। ये पैजामा मंगाया था ऑनलाइन, जो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है और कंफर्टेबल फील हो रहा है पैजामा में। तो मिशू से कुछ कुछ और इतना सा नमक पीसा मैंने अभी तक सिलवट्टे में। तो अब खाना खाने की तैयारी शुरू हो रही है हमारी। इस साइड से हमारी दाल गर्म हो रही। पहले मिसू से मैंने एक पैजामा मंगाया जो मेरे पे लूज हो रहा था बहुत ही ज़्यादा, फिर मैंने वो रिटर्न किया। अब ये वाला मंगाया, ये वाला अभी फ़िलहाल सही आ रखा। तो मिसू से ना कुछ कुछ सामान अच्छे भी मिलते हैं और कुछ कुछ बेकार भी मिलते हैं। क्या करना, तब ना मजबूरी में लेना पड़ता है सब चीज़। क्योंकि मेरे को ना जब भी मैं मिसू से कुछ भी मंगाती हूँ, मेरे को एक बार में वो पसंद ही नहीं आते, मतलब बेकार से आए रहते, फिर हमेशा मुझे रिटर्न करने की ज़रूरत पड़ती। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो माफ़ी इस रीज़न से मांग रही हूँ मैं। कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी को बोला था कि मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी कि मैं ससुराल क्यों नहीं जाती और ससुराल क्यों नहीं गई। तो बीच में मुझे कुछ ऐसे काम पड़ गया था जिससे मैं वीडियो बना नहीं पाई, उसके लिए फिर से एक बार दिल से सॉरी। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं ससुराल क्यों नहीं गई। तो ससुराल मैं इस रीजन से नहीं गई, मुझे जाना था ससुराल मार्च में आलू लगाने के लिए। तो मार्च में चैत का महीना लग गया था, हाँ चैत का महीना लग गया था उस टाइम। तो उस टाइम हमारे यहाँ पे ना सास का मुंह नहीं देखते। अगर आपके यहाँ भी नहीं देखते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपके यहाँ सास का मुंह देखते हैं कि नहीं देखते। बट हमारे यहाँ नहीं देखते थे उस टाइम सास का मुंह। तो वहाँ पे आलू लगा रहे थे, तो आलू लगाने तो मैं गई नहीं क्योंकि सास का मुंह तो देखना था नहीं मैंने। तो मेरी सास ससुर ने भी आलू लगा दिए थे। तो उसके बाद जाना था मैंने अभी। तो बीच में आपको पता है मैं सिलाई सीख रही हूँ, जे ना उतनी परफेक्ट सिलाई नहीं आती, बट जितनी भी आती है थोड़ा बहुत वो सिलाई मैं भूल जाऊँगी अगर मैं बीच में ससुराल चली गई, अगर गैप दूंगी बीच में। तो अब जाऊँगी मैं कुछ दिनों बाद अपने ससुराल में। तो दोस्तों, एक बहन का मुझे एक कमेंट आया था कि आप थंबनेल किससे बनाते हो। तो बहन, मैं थंबनेल पिक्स आर्ट से बनाती हूँ, तो आप भी उसी से बनाना अगर आप ब्लॉगिंग करती हो तो। दूसरी बात यह है कि आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, जितनी भी हमारे पहाड़ों की महिलाएं हैं ना, जितने भी हम पहाड़ी हैं उनके लिए है ये क्वेश्चन खास करके। अगर आप लोग जंगल में जाते हैं, पहाड़ी महिलाएं, तो आपको वहां पे एक घास दिखाई देती होगी जिसपे खतरनाक बदबू आती। तो कमेंट करके बताना कि उस घास का नाम क्या है, जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। टाइम भी आ गया है वीडियो को एंड करने का। हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते रहें। मैं सोनी नेगी आपको मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड, टाटा बाय।